फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको देखिए, ये हमारे पास कुर्ती है और इसमें जो ये आगे चकोर गला बना हुआ है और ये गला बहुत बड़ा है, तो इसमें जो यहाँ हम ब्रा पहनते हैं नीचे, तो उसकी स्टेप यहाँ पर दिखती है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा खुला है। अब वो हमारी जो ब्रा है इसमें कुछ करना होगा, तो यहाँ पर हम पैच बनाकर इसमें डिजाइन बनाएंगे। वो डिजाइन हमें कैसे करना है, चलिए आपको शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो ये हमें इसमें कपड़े का यूज़ करना होगा और ये हमारे पास एक बुकरम का बचा हुआ पीस है, टुकड़ा है, ये हमने डिजाइन बनाया था पहले, तो उसका ही टुकड़ा बचा हुआ है, तो इसको हम इसमें यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक सेंटर का निशान लगाएंगे, तो इस तरीके से हम करेंगे और यहाँ पर एक सेंटर का हम निशान लगाएंगे क्योंकि दोनों तरफ पैच हमें बराबर बराबर लगाने हैं। अब देखिए, बुकरम का पीस है और इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह अंदर रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए, इस तरीके से हमने इसको रखा और थोड़ा थोड़ा हमें बुकरम इसके अंदर हमारी जानी चाहिए, इतना हमें पीस चाहिए। ये हमारे पास बचा हुआ है और अगर आपको अलग से लगाना पड़े तो वो लगा सकते हैं। तो अब हम एक मार्क इसके ऊपर करेंगे यहाँ पर और यहाँ तक हमें इसको लगाना है। ये हमने सेंटर का लगाया हुआ है, दोनों तरफ हमारा ये यहीं तक लगेगा, तो इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ पर भी एक हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, तो दोनों तरफ हमारा बराबर आना चाहिए। ये देखिए, एक यहाँ लगाया और एक एक हमने यहाँ लगाया। थोड़ी सी हम इसकी इस तरीके से शेप बनाएंगे, यहाँ से थोड़ा इसकी शेप नहीं है तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे और इसकी कटिंग यहाँ से करेंगे हम। देखिए, दोनों तरफ लगाना है तो इसको हम सेंटर से यहाँ से कटिंग करेंगे और यहाँ पर भी हम हल्की सी इसकी गोलाई कर देंगे, तो दोनों तरफ का हमारे पास ये पीस है। ये देखिए, अब देखिए इस तरीके से हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए, इतना पीस हमें इसको इस तरीके से कटिंग करना है। तो देखिए, इसको हमने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, तो बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे, कहीं पर सिलाई करते हुए आगे पीछे हो जाता है तो हमारा कपड़ा कम रह जाता है, तो हमने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अभी इसी तरीके से हम दूसरे पैच पर भी इसी तरीके से कपड़े की कटिंग करेंगे, इस तरह रखेंगे और इसके चारों तरफ से कटिंग करेंगे। अब देखिए, हमने दोनों के बराबर कपड़े की कटिंग कर ली। अब सबसे पहले एक कच्ची सिलाई हम इसके चारों तरफ करेंगे दोनों ही पीस पर। अब देखिए, एक बड़ी बखिया हम इसके चारों तरफ इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। अब हम जो इस पे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, नीचे हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा तो नीचे हमें आवश्यकता नहीं है, ऊपर से हमें इसकी शेप गोलाई में लेनी होगी। इसको भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा है इसको हम कटिंग करेंगे। अब देखिए, ये हमारे पास पैरेट कलर में कपड़ा है, इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इतना इतना कपड़े की हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको रखा हुआ है, इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और बुकरम हमारी अभी ऊपर की तरफ ही है और कपड़े दोनों हमारे नीचे की तरफ हैं। अब किनारे किनारे पर यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई सिर्फ हमें यहाँ तक लगानी है। अब इसको सबसे पहले हम इस तरह से निकाल देंगे, तो अभी हम यहीं तक लगानी है। अब हम क्या करेंगे, छोटे से कट हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे बैक साइड। ये देखिए, अब जितनी भी मोटी या बारीक पाइपिंग हमें निकालनी है उसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। और देखिए, इसको इस तरीके से देखेंगे तो हमारा ये इस साइड हरा है और ये हमारी पाइपिंग निकल गई। अब बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। अब एक चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे ताकि इधर से भी हमारा कपड़ा पूरा दब जाए। ये देखिए, अब दोनों तरफ से हमारा कपड़ा अच्छी तरीके से दब गया है। इसी तरह हमें इसको तैयार करना है, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसके बराबर कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसके बराबर हमने इसकी कटिंग कर लिया और इस पर भी हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो यहीं तक लगानी है और फिर इसके बाद हम कट लगाएंगे। छोटे छोटे कट हम इसके चारों तरफ लगाएंगे ताकि आराम से हमारी पाइपिंग
उल्टी तरफ फोल्ड होके निकल जाए। तो इस तरह हम इसको उठाएंगे और जितनी हमने उसमें बारीक पाइपिंग करी है उतनी ही बारीक हमें इसको करनी है। अब इसके चारों तरफ सिलाई करेंगे हम। अब देखिए दोनों पैच हमारे तैयार हैं। अब हम इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे इसको, और जो ये निशान हमने लगाया था यहाँ पर और इसको थोड़ा इस साइड करेंगे, और यहाँ पर भी हमने एक मार्क लगाया था, ये देखिए, देखिए ये निशान हमने यहाँ लगाया था, सेंटर में ये निशान लगाया था और एक निशान हमने ये लगाया था। अब देखिए सिर्फ हमें अंदर की तरफ रखना है, पीछे वाला गले के साथ हमें इसको बिल्कुल अटैच नहीं करना है, और हमें कोई भी इसमें उधेड़ बुन नहीं करनी पड़ेगी, ना गला खोलना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम आपको बहुत आसान तरीके से इस पैच को लगाना बताएंगे। कुछ लोग जब पैच लगाते हैं तो ऊपर से और साइड की सिलाई खोलनी पड़ती हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम इसको इतना इस साइड इधर रखेंगे और इसको हम इस साइड, ये देखिए एक हमने इस साइड रखा और दूसरा हमने इस साइड रखा। अब आप चाहें तो सीधे निशान लगा कर भी इस पर, आप एक निशान इस पर इधर लगा दीजिए, एक निशान इस पर इधर लगा दीजिए और इस तरह से कर दीजिए, और यहाँ पर सीधी सिलाई चला दीजिए और इस पर भी यहाँ पर लगाइए और यहाँ पर, और फिर एक निशान यहाँ, तो आपको पता रहेगा भाई इतना ही हमें इसको स्टिच करना है। और आप चाहें तो कोई पिन वगैरह की सहायता से इसको इस तरीके से इसके साथ हम बिल्कुल अटैच कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर के आगे के पीस में हमें इसको करना है। एक हम यहाँ लगाएंगे और एक हम इसी तरीके से इस साइड लगाएंगे और एक हम यहाँ पर, ताकि हमारा गला का जो पेच है इधर उधर ना हो। और आप यदि ऐसे भी लगा सकते हैं तो ऐसे ही, सिर्फ हमने आपको बताने के लिए ये पिनें लगाई हैं। अब देखिए हम सीधी एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे, तो ये जब हम यहाँ पर अपनी मशीन लाएंगे तो इन पिनों को हमें निकालना होगा। अब देखिए पीछे के पीस को हमें अलग करते हुए, देखिए पीछे का पीस इसको हम बिल्कुल अलग कर देंगे, और यहाँ से ये देखिए, तो सबसे पहले एक सुई हम यहाँ की निकालेंगे। उसके बाद इसको इस तरह करेंगे और ये वाली सुई भी हम यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ से ये निकाल देंगे। और उसके बाद यहाँ से अब देखिए सिलाई हम पूरी लाकर यहाँ से, तो जो ये हमारे गले में तीरे की सिलाई है इसको हम यहाँ तक लाएंगे और इससे आगे इसको हम इसको डबल कर देंगे, ताकि जो हमने पैच लगाए हैं वो हमारे अच्छे से मजबूत हो जाएं। तो ये थोड़ी हम आगे की तरफ लगाएंगे। और देखिए पीछे का गला हमें अपना पीछे की तरफ कर देना चाहिए, ताकि हमारा सिलाई के साथ अटैच ना हो जाए इस तरीके से। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमने इस डिज़ाइन को पैच लगाकर गले को छोटा किया है। बहुत आसान तरीका है, बिना गला खोले बिना हमने सिलाई खोले इसकी हमने किस तरीके से पैच को बनाकर तैयार किया है और लगाया है इसमें। और ये हमने इसकी जो पाइपिंग लगी हुई इसी के अनुसार हमने, और बटन लगे हुए इसी के अनुसार इसकी मैचिंग में करके हमने इसको लगाया है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की हमने वीडियो पैच लगा के, इस तरह तिरछा गला है उसमें हमने बड़ा गला है तो उसको किस तरीके से हमने छोटा किया आप देख सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।